हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लेके आए हैं साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको करना एक काम है कि तुरंत आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहें और दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड होकर चलें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है जिससे कि और आगे काम किया जा सके? एक्स किरणों पर, लेजर किरणों पर, गामा किरणों पर या कैथोड किरणों पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेजर किरणों पर। लेजर किरणों पर बहुत ज़्यादा, बहुत सारी बंदूकों या उसमें देखिए आप चिकित्सा के लिए भी लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है आज भी। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स होती हैं जो कि चेक करती हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ अवेलेबल है जो उसके रेंज में आ रही है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है या प्रकाश का परावर्तन होता है या प्रकाश का अपवर्तन होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ये प्रकीर्णन के कारण होता है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों को द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन कर दिया गया जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है? तो क्या होगा? अधिक सुनाई देगा क्योंकि वो स्पीड से आपकी तरफ बढ़ते चले आ रहा है, तो जैसे जैसे आपके नज़दीक आएगा वैसे वैसे उसकी पिच हाई होती चली जाएगी। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है कैसे? छू करके, जला करके, NaOH की क्रिया से, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, या HSO की क्रिया से। किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसको सिंपली याद कर सकते हैं कि जलाएंगे जब तो पता चल जाता है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर क्या है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, यानी गलने की क्रिया उसकी जो घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या शून्य हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा जब भी बल्ब पर आप दबाव बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा फंडा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उष्मा के बुरे अवशोषक, यानी कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं कि उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, कि ये क्या करते हैं, इनकी तरफ जो उष्मा आती है पूरी तरह से उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसका उपयोग या उसका अपने अंदर समाहित बिल्कुल भी नहीं करते। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। जिसमें से गलत कथन कौन सा है? तो इसमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा? पारा पानी पर तैरता है, पारा पानी पे नहीं तैरता है बिल्कुल भी। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? डी होता है, ए होता है, सी होता है या बी होता है? तो इसका सिंपली आप लगा सकते हैं अंदाजा कि विटामिन सी होता है क्योंकि सिट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे फल होते हैं, संतरा भी हल्का खट्टा होता है, जितने भी सिट्रस फल होते हैं सब में क्या विटामिन सी ही पाया जाता है, तो संतरे में भी विटामिन सी ही पाया जाएगा। आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है UCSC यानी कि अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप, जिसमें आप लगभग 40 करोड़ रुपए तक के रिवार्ड जीत सकते हैं और इसमें आप पार्टिसिपेट करके IAS और IPS बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इसमें आपसे 50 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे और ये पेपर आपका 13 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, वहां पर जाकर आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। तो ये थी इसकी जानकारी। अगर आप इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।